आपको एक बार फिर से सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में एक नए सफर पर लेकर चलता हूं। और आज जैसा कि हम इस सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में सीरीज के अंतर्गत लेकर चल रहे हैं, S10 के पौधों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो आज S10 के एक और पौधे के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है सिंकोना सक्सीरूबा, जिसे ऑफिशियलिस पेरोबार्क भी कहते हैं, चाइना पेरोबार्क। तो आज हम जो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि जो सिंकोना सक्सीरूबा है, ये रुबिएसी फैमिली का मेंबर है, जिसे पेरुविन बार्क भी कहते हैं, चाइना के नाम से जाना जाता है। इसकी छाल और जड़ से दवाई को बनाया जाता है और ये पौधा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, अफ्रीका के फॉरेस्ट में नेचुरल ग्रोथ होती है इसकी, बड़ी अबंडेंस में मिलता है, बड़ी भारी मात्रा में मिलता है। और इसका जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है फ्रेंड्स, और S10 में इसे यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें तो ये एंटी फीवर रेमेडी है, एंटी एस्थेमेटिक है, ऐसी बढ़िया मेडिसिन है और एनेमिक मेडिसिन के रूप में इसे जाना जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन का जो एब्जॉर्प्शन है हमारे शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल पर होगा। तो इसीलिए अगर इन सब चीजों को देखें तो एक प्रोटोकॉल छोटा सा ध्यान आता है कि L1, S10 और YE के साथ D5 या D6 के लेवल पर यदि एनीमिया की कंडीशन में हम देते हैं तो बहुत जल्दी रिकवर होती है। और एब्डोमन और स्पाइनल कोड पर कंप्रेस यदि हम करते हैं विद इन 1 मंथ 2 ग्राम के लेवल पर बढ़ जाता है हीमोग्लोबिन। एग्जिस्टिंग जो शरीर के अंदर जो डिस्चार्जेस होते रहते हैं और जैसे जो वाइटल बॉडी फ्लूइड्स होते हैं जो निकलते रहते हैं, चाहे वॉमिटिंग के जरिए निकले, डायरिया के जरिए निकले, और ज्यादा जो सेक्स की एक्टिविटी करते हैं तो सीमेन के रूप में उनके जो है ना बॉडीली फ्लूइड्स निकल जाते हैं, तो ऐसे जो उसकी वजह से उनको काफी थकावट होती है, उनको ऐसे लगता है कि जैसे मानो उनका पूरा का पूरा शरीर का ब्लड निकल गया है, वो ब्लड पतला हो जाता है या शरीर में किसी भी तरीके से हिमोराइड्स की कंडीशन आ जाती है। तो वहां क्या होगा कि जब ब्लड निकलेगा तो हिमोराइड्स की कंडीशन होगी तो ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ATP नहीं बनेगी, और ATP नहीं बनेगी तो हमारे शरीर में फटीग, टायर्डनेस, ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। और हमारी बॉडी में एक केमिकल प्रोसेस है जो होता है, जो कि विदाउट एंजाइम के तो होता ही नहीं है, और हमें भी पता है हमारे इन पौधों में एंजाइम्स पाए जाते हैं, लेकिन जब एंजाइम वहां होता है तो यानी कि किसी भी प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को होने के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, कोई भी ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है तो ये लगाइए कि उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और जब ब्लड किसी न किसी रूप में इंटरनल या एक्सटर्नल हिमोरेज की वजह से निकल गया है तो वह पतला हो जाता है जहां उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, और इस वजह से वहां ATP नहीं बनती है, और जब ATP नहीं बनती है तो दोस्तों थकावट होती है और उस स्थिति में हमें कमजोरी डेवलप होती है। सिंकोना सक्सीरूबा फैब्रीफ्यूगो के जैसा काम करती है, ये एपेटाइजर के रूप में काम करती है, भूख बढ़ाने का काम करती है, हेयर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करती है। S10 में ये मेडिसिन, ये जो पौधा है ये पाया जाता है, इसलिए जब भी एनेमिक कंडीशन में हमारे हेयर लॉस होते हैं तो S10, L1 और Y इसी से कंट्रोल हो जाते हैं। इसे हम एक्सटर्नली और इंटरनली यदि प्रयोग करते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं, और जो पेशेंट के बाल जो है झड़ गए हैं वो रिटर्न हो जाते हैं इसी प्रोटोकॉल से। बॉडी के जितने भी वाइटल फ्लूइड्स होते हैं उनके लॉस होने से हमारे शरीर में डेबिलिटी की कंडीशन आती है, कमजोरी की कंडीशन आती है, और यहां हमें नर्वस वीकनेस का एहसास होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सेक्स की एक्टिविटी में इंडल्ज रहता है तो उसके अंदर सीमेन की कमी हो जाती है, किसी को वॉमिटिंग होती है, किसी को डायरिया होता है, किसी को एनीमिया हो गया है, तो वहां थकावट की कंडीशन आ जाती है। और यहां हमें दोस्तों पीरियोडिसिटी का करेक्टर्स देखने को मिलता है कि एक बार आदमी ठीक हो जाता है फिर कुछ समय बाद फिर से वही प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से कुछ दिनों बाद वही प्रॉब्लम रिकरेंट आ जाती है। तो इसे हम पीरियोडिसिटी का कैरेक्टर कहते हैं, और ये एक मार्क्ड कैरेक्टर के रूप में हमें देखने को मिलता है।
इस पौधे के करैक्टर के रूप में। तो यहां ये जो पौधा है इन सभी चीजों को दुरुस्त करता है, एक्यूट या क्रॉनिक कोई भी कंडीशन हो, दोनों में एस10 बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। जैसे फीवर एक्यूट होता है तो यहां बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से हमें रिजल्ट देता है, मैजिकल रिजल्ट देता है दोस्तों, आप लेकर देखिए। क्रॉनिक गाउट में या क्रॉनिक सपोरेटिव पाइलिस्टिक जो कंडीशन होती है, पोस्ट ऑपरेटिव गैसेस फॉर्मेशन होती है उनके, ऐसे ऐसे पेशेंट्स के जो है ना बहुत ज्यादा पेन होता है, उनको सोने भी नहीं देता है, तो ऐसी स्थिति में इन सारी कंडीशंस में जो सिंकोना सक्सीरूबा है इज द बेस्ट मेडिसिन। गैसेस कई बार ऐसे पेशेंट्स के गैसेस पास होने के बावजूद भी रिलीफ नहीं होता है। एनीमिया में इसका सिंगल प्रयोग भी प्रूव हुआ है फ्रेंड्स, आप यूज करके देखिए, एनीमिक कंडीशन में आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। एब्डोमिनल डिसऑर्डर, बिलियस अटैक, बिलियस जो कंडीशन आती है, कैटरल इंफेक्शंस, कहीं से भी कोई सेक्रीशन यदि शरीर से निकल रहा है और वो सेक्रीशन गाढ़ा और चिपचिपा होता है, कॉन्स्टिपेशन, अल्टरनेट डायरिया की कंडीशन आती है, बॉडी में स्वेलिंग डेवलप हो जाती है ड्यू टू वीकनेस, एनीमिक कंडीशन होने की वजह से, हिमोरेजिक कंडीशन होने की वजह से हिमोराइड्स हो जाते हैं। एनीमिया के केस में चेहरे और एंकल रीजन पर स्वेलिंग डेवलप हो जाती है, ड्रॉप्सी की कंडीशन आ जाती है, डिस्पेप्सिया की कंडीशन आ जाती है, डिस्निया की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन शरीर में प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता तो सांस भी हमें अच्छे तरीके से नहीं आती है, लंग्स के लेवल पर हमें जो है ना डिस्निया की जो प्रॉब्लम आ जाती है। और यदि कोई पेशेंट आपको आकर ये कहता है कि मुझे गैसेस हो रही हैं, मुझे फीवर आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, डायरिया हो रहा है, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है हिमोरेज की भी हो गई है, और ऐसे ऐसे पेशेंट को कान में रिंगिंग सेंसेशन और बजिंग सेंसेशन सुनने को मिलती है, ऐसे लगता है कि उसके कान के पास जो है घुंघरियों की आवाज आ रही है, रेल की सीटी की आवाज आती है, और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनको गॉल स्टोन कॉलिक की भी जब शिकायत होती है तो ये जो मेडिसिन है बहुत ही बढ़िया काम करती है फ्रेंड्स, बहुत ही बेहतरीन रेमेडी होती है। हिमोरेज की, ऐसे पेशेंट्स में हिमोरेज की टेंडेंसी होती है, हेडेक के लेवल पर मस्कुलर हेडेक होता है, क्लस्टर हेडेक होता है, माइग्रेन भी उन्हें होता है, चाहे उनके उनके उस कंडीशन में वस्कुलर हेडेक हो या फिर किसी डिजीज की वजह से उन्हें हेडेक हो रहा हो कमजोरी की वजह से, और ऐसी स्थिति में यदि आप F2WE का कंप्रेस माथे पर कर देते हैं बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और यहां अगर आप C1A1Y और अल्टरनेट S10L1Y नेगेटिव में देते हैं तो बहुत बढ़िया आपको परिणाम मिलेंगे दोस्तों। पेशेंट के हिसाब से मेडिसिन का करेक्टर चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन के लेवल पर ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं कर पाता, आपको लगता है कि आपने जो मेडिसिन दी है उसका असर ही नहीं हो रहा है, लेकिन आपने मेडिसिन तो सही सिलेक्ट की है। अब आपने स्थिति में देखना है कि इस कंडीशन में यदि हम वर्वन को भी ऐड कर देते हैं तो ये हमारे ब्रेन के लेवल पर जो ब्लड ब्रेन बैरियर हो गया है उसको क्रॉस करके मेडिसिन को सीधा पहुंचा देती है। तो जितने भी प्रकार के फीवर होते हैं, स्पेशली इंटरमिटेंट फीवर जो बार बार आया, आज आया, फिर 3 दिन बाद आया, फिर 5 दिन बाद आया, इस तरीके से यदि किसी भी कंडीशन में हमें इस तरह का फीवर आता है तो दोस्तों ये उस फीवर की नंबर 1 रेमेडी होती है। जॉन्डिस, रिकरेंट अगर हमें जॉन्डिस आता है तो देखिए, जो पहले पुराने जो प्रैक्टिशनर होते थे वो क्या करते थे, S1 को बिफोर मील देते थे और S10 को आफ्टर मील देते थे, 2 से 3 महीने कंटिन्यू देने के बाद उनको, ऐसे पेशेंट को फीवर कभी भी वापस नहीं आता था, लेकिन उन्हें पता नहीं होता था कि वो जो ये मेडिसिन दे रहे हैं तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। लेकिन आप अपना जो लॉजिक है हमेशा रखें याद, जैसे कि एलोपैथ के डॉक्टर को ये पता होता है कि उसकी जो मेडिसिन है किस ऑर्गन पर किस तरीके से असर करेगी, तो हमें भी ये पता होना चाहिए। अगर हमारे पास लॉजिक है तो हमें कामयाबी की सफर की ओर कोई नहीं रोक सकता है। तो ये जो चीजें होती हैं आप देखिए कि अब जो है ना हमें इंटरकनेक्शन एक दूसरे का देखना पड़ता है कि यहां एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के साथ जो इंटरकनेक्शन है वो क्या है। डिलीवरी के समय
किसी को कॉम्प्लिकेशन आती है, उसे वीकनेस होती है, लीवर जो क्रॉनिक लीवर की प्रॉब्लम आती है, उसमें ये मैजिकल रिजल्ट्स हमें मिलते हैं इस सिंकोना सक्सेरुबा के साथ। पेन है, मेंस्ट्रुएशन ट्रबल है, रूबेटिज्म की शिकायत है, अस्थमा है, तो किसी भी प्रोटोकॉल के साथ यदि आप S10P1 की ग्लोब्यूल्स देते हैं, 10-10 ग्लोब्यूल्स 6 मंथ आपने देनी है दोस्तों, जो अस्थमा की एलर्जिक कंडीशन की वजह से होती है, तो वहां आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जब हम इस कंडीशन को ठीक करेंगे तो दूसरी कंडीशंस भी ठीक होती जाएंगी। अगर किसी पेशेंट को स्प्लिन का इंफेक्शन हो रहा है, उसको वर्टिगो हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्रॉनिक है, अगर इस तरह की कंडीशन डाइजेस्टिव सिस्टम से ये जो क्रॉनिक कंडीशंस है जुड़ी होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस पौधे के साथ मैजिकल रिजल्ट्स मिलेंगे फ्रेंड्स। आगे हम जानते हैं कि इसका स्फीयर ऑफ एक्शन क्या होता है। स्फीयर ऑफ एक्शन के लिए इस पौधे का दूसरा वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, शाबाश।